जमुई मैदान में पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी, उमड़े लाखों भाजपा समर्थक। 200 साल पुरानी परंपरा आज भी कायम, मूर्तिकला और चित्रकला से हो रहा धैर्य जागरण। यूपी में मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में 46 जोड़ों ने लिए फेरे। पुलिस अधीक्षक के मार्गदर्शन में हुआ शातिर मोबाइल चोरों का पर्दाफाश। नमस्कार, खबर 29 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रेरणा और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। मध्य प्रदेश भोपाल के जमुई मैदान में भाजपा कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री मोदी का भव्य स्वागत किया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित समारोह में उमड़े लाखों भाजपा समर्थक। आइए देखते हैं समारोह की कुछ झलकियां। मैं बड़ी माला से हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र जी मोदी साहब के स्वागत के लिए हमारे प्रदेश के सभी माननीय मंत्री, माननीय पूर्व मुख्यमंत्रीगण, उन्हें निवेदन करूंगा कि वो उनका और बड़ी माला से स्वागत करने की कृपा करें। तालियां में कमी ना रहे, ताली पूरी ताकत के साथ बजाने की कृपा करें। आज तो सब कुछ कर रहा है। अच्छा, अभी नुकसान नहीं दिया? नुकसान अभी तक नहीं। हाँ हाँ, नुकसान अभी तो फायदे ही कर रहा हो। फायदे कर रहे हैं हमारे देश के मुख्यमंत्री जी। हाँ, आपके जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, मुख्यमंत्री जी की भी कई किसानों को लेके योजना है, वो आप तक पहुंच रही है, पहुंच पा रही है, अच्छे से सब चीजें हो रही है। हो रही नहीं, खेती किसानी में कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत कोई दिक्कत नहीं। खाद भी दे, बीज भी दे, पैसा दे, सभी दे रहे हैं, सभी दे रहे हैं। रतलाम जिला सिलाना तहसील ग्राम सकरावदा, पोस्ट सकरावदा, तहसील सिलाना जिला रतलाम निवासी हूँ और यहाँ पर भोपाल आए हम इस कार्यक्रम में, किसान मोर्चा कार्यक्रम में। हम इस पार्टी से खुश हैं, हर कार्यक्रम भी होता है, देखते हैं, हर जगह जाते भी हैं, हर जगह हमारे को जो भी सुविधा मिलती है, छोटी मोटी मिलती रहती है, कहीं नहीं भी मिलती है, कुछ रुकावटें आ जाती है, उससे कुछ परेशानी भी है। और वैसे देखा जाए तो हमारे लिए अच्छी है ये पार्टी, और हम ये चाहते हैं कि अगले इलेक्शन में जो है ये पार्टी आए और हमारा एक से एक अच्छा काम करें। जो भारतीय जनता पार्टी की जो किसान हितैषी योजनाएं हैं, उसका आपको पूर्णतः लाभ मिल पा रहा है कि नहीं मिल पा रहा है? मिल रहा है। आप भारतीय जनता पार्टी के कार्यशैली से प्रसन्न हैं कि नहीं है? मैं तो। आप चाहते हैं कि आगामी जो विधानसभा चुनाव है तो उसमें भारतीय जनता पार्टी की जीत हो, आप मामा जी फिर से प्रदेश में आए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, आप चाहते हैं? मध्य प्रदेश के सागर जिले की रहली तहसील में 200 साल पुरानी परंपरा आज भी है कायम, मूर्तिकला और चित्रकला के माध्यम से हो रहा धर्म जागरण। दूर दूर तक प्रसिद्ध है काछी पिपरिया का पुतरियों का मेला। सागर जिले की रहली तहसील के छोटे से गांव काछी पिपरिया में करीब 200 साल पुरानी परंपरा आज भी कायम है। भाद्रपद की पूर्णिमा को प्रतिवर्ष गाँव में मेला लगता है। इस मेले की पुतरियों के मेले के रूप में ख्याति है। प्राचीन काल में पांडे परिवार द्वारा प्रारंभ की गई मूर्तियों की झांकी की परंपरा चौथी पीढ़ी तक बरकरार है। प्राचीन काल में ग्रामीणों में शिक्षा की कमी एवं संसाधनों के अभाव में धर्म जागरण मूर्तिकला एवं चित्रकला के द्वारा झांकियों के माध्यम से किया जाता रहा। करीब 200 साल पहले स्वर्गीय श्री दुर्गा प्रसाद पांडे द्वारा काछी पिपरिया गांव में पुत्रियों के मेले की शुरुआत की गई थी। स्वर्गीय पांडे मूर्तिकला एवं चित्रकला में पारंगत थे। उन्होंने लगभग 1000 मूर्तियों का निर्माण कर अपने निवास को एक संग्रहालय के रूप में विकसित कर धार्मिक कथाओं के अनुसार कृष्ण लीलाओं की सजीव झांकियां सजाकर धर्म जागरण का कार्य प्रारंभ किया था, जो बाद में पुत्रियों के मेले के रूप में जाना जाने लगा। स्वर्गीय दुर्गा प्रसाद पांडे के बाद उनके पुत्र स्वर्गीय श्री बैजनाथ प्रसाद पांडे ने इस मेले को आगे बढ़ाया। तीसरी पीढ़ी के श्री जगदीश प्रसाद पांडे ने अपने पूर्वजों की परंपरा को संजोकर रखते हुए आज तक बरकरार रखा है। चौथी पीढ़ी भी पूरी शिद्दत के साथ इस कार्य को सहभागिता से करती आ रही है। ये उन्होंने देखा कि लोगों में गौ पालन नहीं है, कृष्ण की लीलाओं का दर्शन नहीं है, और उसके माध्यम से यहाँ आकर उन्होंने ये मूर्ति बनाने का कार्य आरम्भ किया। उसको लेकर के काफ़ी सजग रहे अपने जीवन में और अंत तक यही कार्य करते रहे और उसी परंपरा को हम लोग निभा रहे हैं। पांडे परिवार के द्वारा लगातार चार पीढ़ियों से झांकियों के द्वारा धर्म जागरण के साथ व्यसन मुक्ति, गौ पालन का संदेश देने का पुण्य कार्य अपने स्वयं के व्यय एवं परिश्रम के द्वारा दिया जा रहा है।
इस कार्य के लिए पांडे परिवार के द्वारा ना तो शासन से कोई सहायता की मांग की गई, ना ही संस्कृति विभाग द्वारा इस अनूठे आयोजन की सुध ली गई। आधुनिकता के दौर में इस मेले के प्रति लोगों का आकर्षण लगातार कम हो रहा है, परंतु पांडे परिवार इस परंपरा को सतत आने वाली पीढ़ियों तक जारी रखने का मंसूबा रखता है। इसमें केवल कृष्ण लीलाओं का ही दर्शन होता है। हमारे पिताजी बनाते थे और हमारे पिताजी के पिताजी, जिनका नाम था दुर्गा प्रसाद पांडे, उन्होंने इस परंपरा को शुरू किया था। और वे केवल मिट्टी की मूर्ति जाना मनाते थे। हमारे पिताजी पेंटिंग करते थे उन पर रंग रोशन, तो उनने और ज़्यादा उसमें दक्ष लिया और बहुत ज़्यादा विस्तार बनाया उन्होंने। ये परंपरा लगभग कब से चली आ रही है? लगभग 200 साल से ज़्यादा, 200 साल के भीतर। रहली जिला सागर से मुकेश अग्निहोत्री की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर के मेहंदावल में मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत हुए विवाह सम्मेलन में 46 जोड़ों ने लिए फेरे। सांसद द्वारा वरवधु को दिया गया आशीर्वाद। यूपी संत कबीर नगर मेहंदावल नगर के संस्कार मंडप में आज मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना द्वारा कुल 46 जोड़ों ने एक दूसरे को अपने अपने रीति रिवाजों के द्वारा अपनाया। ब्लॉक प्रशासन द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में आज मुख्य अतिथि सांसद शरद त्रिपाठी द्वारा सभी वरवधुओं को आशीर्वाद देकर उनके जीवन के लिए मंगल कामना की गई। इस तरह से शासन द्वारा गरीबों के लिए शादी जैसी परंपरा का निर्वाह करना पुनीत कार्य है। पुलिस अधीक्षक के मार्गदर्शन में शातिर मोबाइल चोर गिरोह का हुआ पर्दाफाश। लंबे समय से पुलिस को दे रहे थे चकमा, चोरी के मोबाइल सहित छुरी हुई बरामद, चोरों को पुलिस ने डाली हथकड़ियां। मोबाइल चोरों का गैंग पकड़ा है, जिसमें से दोनों ही काफी शातिर चोर हैं। पूर्व में काफी इन्होंने चोरी की घटनाएं भी की हैं, ताला तोड़कर गुंडियों में, जिस पर भी हम लोग आगे इन्वेस्टिगेशन करेंगे। और 14 मोबाइल इनके पास से बरामद हुए हैं, और जिसमें से काफी 5 मोबाइल करेंट हो चुके हैं, जो यहीं से दुलारा थाना क्षेत्र से चोरी हुई। बाकी इन्होंने पूछताछ में बताया है कि इन्होंने सिद्धार्थनगर, गोरखपुर, बस्ती जनपदों में भी घटनाएं की हुई हैं, तो वो हम ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन में देखेंगे। इसके अलावा इन लोगों का काफ़ी बृहद आपराधिक इतिहास है। NDPS में पूर्व में ये जेल जा चुके हैं, और उनमें से एक व्यक्ति 376 के केस में भी बस्ती से जेल जा चुका है, तो काफ़ी शातिर क्रिमिनल्स हैं, जिस पर हम लोग गैंगस्टर एक्ट लगा के सख्त कार्रवाई करेंगे। सर, लगभग कितने के मोबाइल? देखिए, 14 मोबाइल मिले हैं, जिसमें से काफ़ी महंगे टच स्क्रीन वाले मोबाइल हैं, तो एग्जैक्ट तो पता नहीं, पर काफ़ी अच्छी रिकवरी। खाद्य सुरक्षा औषधि प्रशासन की टीम ने मौरानीपुर के मोहल्ले कटरा में एक मेडिकल स्टोर पर छापामार कार्यवाही करते हुए संदिग्ध दवाओं को अपने कब्जे में लेकर बिना बिल की दवाओं को सीज किया। खाद्य सुरक्षा औषधि की टीम ने सहायक आयुक्त औषधि अतुल उपाध्याय के नेतृत्व में मौरानीपुर के मोहल्ला कटरा स्थित राकेश मेडिकल एजेंसी पर छापामार कार्यवाही की, जिसमें जांच के दौरान उन्हें लगभग 70,000 रुपए की बिना बिल की दवा मिली, और साथ ही 3 दवाएं ऐसी मिली जो संदिग्ध थीं, जिसके नमूने लेकर जाँच कर कार्यवाही की जा रही है। जब सहायक आयुक्त औषधि उपाध्याय से जानकारी चाही तो उन्होंने बताया कि जिन दवाओं के बिल नहीं मिले हैं उन्हें सीज कर दिया है, साथ ही संदिग्ध दवाओं के नमूने लेकर जांच के लिए भेजा जा रहा है। जांच के बाद मेडिकल संचालक के विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी, तथा उन्होंने बताया कि उक्त छापामार कार्यवाही 28 सितम्बर तक जारी रहेगी। टीम में डॉक्टर AK भट्ट, उमेश भारती, फूल सिंह, राजकुमार आदि मौजूद रहे। आज आयुक्त खाद्य सुरक्षा औषधि प्रशासन लखनऊ एवं आयुक्त झांसी मंडल के आदेश अनुसार आज एक मौरानीपुर में राकेश मेडिकल एजेंसी पर छापा डाला गया। वहाँ 3 नमूने जो संदिग्ध दवाएँ थी, उनके 3 नमूने जांच के लिए लिए गए हैं, और लगभग 70,000 की दवाइयाँ ऐसी मिली जो बिना बिल की थी, उनको सीज किया गया है, और उसके बाद इनसे स्पष्टीकरण मांगा जाएगा और व्यवस्था की जाएगी। यदि इनके द्वारा उनके बिल नहीं प्रस्तुत नहीं किए गए तो आगे लीगल कार्रवाई की जाएगी। मौरानीपुर से पवन कुमार की रिपोर्ट। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप जुड़े रहिए खबर 29 के साथ। नमस्कार।